हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, जय श्री राम फ्रेंड्स। क्योंकि जो मैंने आज की ड्राइंग बनाई है वो श्री राम जी की बनाई है, और ऐसे में हेलो बोलना सही नहीं है, तो जय श्री राम। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है एक्रेलिक कलर का यूज़ करके बनाया, और आपको पता है कि आजकल रामायण ही चल रहा है हर जगह पे, और हमारे यहाँ जब रामायण चलता है तो पूरा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली बैठ के देखती है। फ्रेंड्स, ये वाली जो ड्राइंग है ये काफ़ी स्पेशल है, और ये सिर्फ बनाई नहीं है ड्राइंग, ये फीलिंग के साथ में बनाई गई है। जब आप इस ड्राइंग को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ड्राइंग किस तरीके से बनाई है। इस ड्राइंग से काफ़ी फीलिंग जुड़ी हुई है, और काफ़ी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं हमारी, जो हम लोग इसको देखा करते थे बचपन में। कुछ जैसे शक्तिमान हो गया, रामायण जैसे था, महाभारत, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, अलीफ लैला, ये सारी चीज़ें हमारे बचपन में आती थी और काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम पर। तो अभी तो बस ऐसी कुछ भी चलता है सीरियलों में, लेकिन उस टाइम के अगर आप सीरियल देखोगे तो सारे सीरियल अच्छे होते थे और कुछ सीखने को मिलता था उससे। अब कोई भी सीरियल उठा लो, चाहे वो रामायण उठा लो, चाहे महाभारत उठा लो, चाहे शक्तिमान उठा लो, चाहे अलीफ लैला उठा लो, कोई भी सीरियल ऐसे होते थे जो कहानी के टाइप में होते थे और सीखने में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता था उससे, और काफ़ी अच्छा रहता था, हार्ट टचिंग होते थे वो जो सीरियल्स होते थे। आप ये वीडियो पूरी देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया था और शाम के 7 बज चुके थे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन भी जरूर दबा दे। और फ्रेंड्स, कमेंट करके प्लीज़ आप जरूर बताया करिए कि वीडियो कैसे लगी, इससे मोटिवेशन आता है और मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम। भगवान से सुनकर काकभुशुंडी ने यही कथा अपने पक्षियों की सभा में बैठकर गरुड़ को सुनाई। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस लोक कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। ये सब अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने इस राम कथा के द्वारा संसार का कल्याण किया है। सारी मानव जाति उनकी आभारी है।
देते हैं तो एक मानव की तरह ही पूरा आचरण करते हैं, उसी की तरह सुख दुख के आभास से हंसते हैं, रोते हैं और नाना प्रकार की मानव लीलाएं करते हैं। और जो महान कार्य भी करते हैं वो भी एक मानव के तौर पर ही करते हैं। माता केतु ने कहा था प्रथम दर्शन की स्मृति।